जी प्रणाम। हाँ मणिभूषण बोल रहे हैं न्यूज फाउंडेशन से सर। हाँ बोलिए मणिभूषण जी। सर क्या देख रहे हैं, खबर चल रही है मुजफ्फरपुर में फिर जो है आशुतोष शाही जी की हत्या हो गई है। समझिए पुलिस की निकम्मापन है ये तो। क्या लगता है पुलिस किस तरह से आपके जो खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और अब जो हत्या के बाद जो कार्रवाई कर रही है, इसमें कहीं ना दोनों में कहीं। देखिए क्या क्या समानता है। कोई समान मतलब ये नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा था जी यहाँ हत्यारों के पीछे का पुलिस का कोई ये नहीं है। जी और दूसरी तरफ आप, मैं कल बताया, जो अभी बता रहा हूँ कि बताइए, 1 महीने हो गए मेरे केस को स्टे हुए, अभी जी तक सुरक्षा गार्ड नहीं गई है, जो मेरा अधिकार है। इसके पहले जो एसपी थे, सीनियर एसपी थे, मुझे विशेष सुरक्षा दिए हुए थे, जी चार चार एक्स्ट्रा सुरक्षा ये करके। और ये जो है मेरे जो मूल मेरा अधिकार है, वो भी सुरक्षा को वापस कर दिए गए। क्या लगता है प्रशासन का इसमें? प्रशासन कहीं ना कहीं गुंडों से मिले हुए है, गुंडागर्दी की सरकार में मिली हुई है, मिलकर गुंडागर्दी कर रही है। सुरक्षा, आपका सुरक्षा हटाने का क्या कुछ कारण हो सकता है सर पुलिस का? वो गुंडों के प्रभाव में है, गुंडा चाहता है इस समय कहीं ना कहीं मेरे ऊपर हमला करना, ये करना, जिसमें गार्ड नहीं रहेगा तो उनको आसानी होगी, अच्छा। निश्चित रूप से हत्या की साजिश है। सर जिस तरह से फिर एक बार जो है एक बड़े सरगना का नाम आ रहा है आशुतोष शाही हत्याकांड में, और पुलिस अभी तक पुलिस के द्वारा कहीं कुछ बताया नहीं जा रहा है, कोई कार्रवाई अभी तक वैसा नहीं हुई है। नहीं, इसके बारे में तो हम लोग कहीं रहे कि आशुतोष शाही की हत्या के बारे में पहले से भी आशुतोष शाही जी ने ऐसी शंका जाहिर की थी, उन्होंने वीडियो क्लिप कर दिया था, सब कुछ किया था। जी। और उसके बाद में भी प्रशासन का मतलब मार्गदर्शक बने रहना, एक अच्छे व्यवसायी, एक यहाँ तो निश्चित रूप से जो शहर के एक अच्छे लोग हों उनको सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का फर्ज बनता है। और जी आशुतोष शाही तो मुझे जहां तक पता है कि वो खुद पेमेंट पे सुरक्षा गार्ड के लिए उन्होंने गुहार लगाया था। जो अच्छे व्यवसायी है वो कहते हैं मैं पेमेंट करूंगा, पुलिस को जो पेमेंट होता है पेमेंट करूंगा, सुरक्षा गार्ड दी जाए। जी और ऐसे परिस्थितियों में उनको सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराना, और उसके बाद में हत्या हो जाती है, जी उसके बाद में पुलिस, एक बार आप बताइए, मेरे जैसे लोगों पर जबरन गलत केस करा करके और 500-500 फोर्स एक बार मेरे यहाँ पहुंचता था। जी मेरे सैकड़ों समर्थक के यहाँ जो घेराबंदी की गई उसमें 200-200, 400-400 फोर्स हुआ करते थे। जी आज इस हत्याकांड में कहाँ दिखाई पड़ रहा है फोर्स? जी बिल्कुल। ये तो सवाल सवाल उठाता ही है प्रशासन के ऊपर। जब आशुतोष शाही की हत्या हुई थी, स्थानीय लोग जब पुलिस को फोन किए थे, उसके 1 घंटा के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे थे सर। यही तो मैं कहता हूँ, पुलिस के निकम्मापन को देखिए। जब राजू सिंह के यहाँ पहुंचना पड़ता हो, जबकि राजू सिंह के ऊपर आज तक एक भी आपराधिक मामले नहीं है। राजू सिंह ने गुंडों के खिलाफ अभियान छेड़ा था 2003 में, जो आज तक गुंडों के खिलाफ अभियान में मैं लगा हुआ हूँ। तो राजू सिंह को पकड़ने के लिए, गुंडों को बचाने के लिए आज भी देखिए पुलिस कहाँ सोझी। वही तुलसी राय पे कल के पेपर में मैंने देखा कि वारंट निकला हुआ है, इसके पहले भी कई एक कांडों में वांछित है, वारंट है, पुलिस उसके वारंट खोज रही थी कि हम लोग के पास वारंट नहीं है। तो आज तो वारंट उसके पास है, तो अब क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है वही वही तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? तो कल के पेपर में हमने देखा तो नहीं गिरफ्तार करेगा ना। पुलिस को गुंडों के साथ मिलकर के पॉकेट भरने का काम करना है। सारे जो हम लोग के यहाँ थाना प्रभारी लोग हैं, ये सब के सब पैसे भरते हैं डेली का डेली, जो है साहेबगंज इलाके में दारू का ट्रक कटता है, वो जी सोने के नाम पर पैसा लूटा जाता है, उन सब में पुलिस को पैसा पहुंचता है। और जब पुलिस ठीक को पैसा पहुंचता है, थाने को पहुंचता है, तो निश्चित रूप से जी थानेदार ऊपर भी देते होंगे, तब ना चाहे सब डिविजन के पदाधिकारी हो, जिला के कप्तान हो, ये जी सबके कानों में मतलब समझिए तेल पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जी मैंने सबूत के साथ में साहेबगंज में लोगों जो क्राइम होता है उसको सबूत के साथ में बताया था। जी मैंने एक तुलसी राय के शागिर्द को हाथ में 47 लिए हुए फोटो भेजा था, जी जी वो सीनियर एसपी को भी और डीएसपी सबको भेजा था, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये लोग तो साफ गुंडों के साथ मिले हुए हैं, गुंडों को एकदम स्वतंत्रता आजादी दिए हुए हैं, और पुलिस जो है खुद गुंडागर्दी कर रही है। हमारे क्षेत्र में तो ये देखा जा रहा है कि कोई भी शरीफ व्यक्ति थाने पे जा रहा है तो उसको इतनी अभद्र भाषा में सब उपयोग करते हैं, लाठी चलाते हैं, डंडा चलाते हैं। आज जी से 4 दिन पहले मेरे ही ग्रामीण कुछ लोग गए थे, जो आपस में झंझट हुआ था, वो सुलह करके गए मिलने के लिए डीएसपी के यहाँ, और जी थाने पे उनको पीटा गया, डीएसपी के यहाँ पीटा गया, अच्छा। और बोला गया मतलब साफ इशारा होता है कि तुम जाओ तुलसी राय के यहाँ मिलकर के आओ, तब कुछ होगा। मतलब इस तरह से थाने जो है आरजेडी के तथाकथित गुंडे तो चला क्या रहे हैं। सत्ता संरक्षण में काम हो रहा है सारा? बिल्कुल सारा काम सत्ता संरक्षण में हो रहा है। धन्यवाद।